समाचार में साक्षी अमृत न्यूज लाइव में सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। वकील पर गोली चलाने के मामले में एक गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में वकील पर गोली चलाने के आरोप में एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दो अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस के सूत्रों ने बताया कि शनिवार को गंगागंज में वकील श्रवण कुमार पर कुछ लोगों ने शादी समारोह में कट्टे से गोली चलाई थी, जिसमें वह बाल बाल बच गए थे। श्रवण ने इंद्रेश उर्फ आशीष और उमरेश उर्फ सतीश के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की तहरीर पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि इस मामले में इंद्रेश उर्फ आशीष को कंडोरा गांव में उसके घर से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। इंद्रेश और श्रवण चचेरे भाई है, दोनों के बीच पुरानी रंजिश थी। पुलिस इस मामले में बाकी दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।